हेलो गाइस, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप 8086 माइक्रो प्रोसेसर का इंटरनल आर्किटेक्चर इजीली कैसे याद कर सकते हैं। तो ये हमारे एक ब्यूरो की कहानी है, BIUEU, बस इंटरफेस यूनिट एग्जीक्यूशन यूनिट ब्यूरो, ठीक है। क्योंकि ब्यूरो भी जैसे सस्ता सा ही है, उस ब्यूरो में मतलब SP भी हमारा सस्ता सा ही होगा जो पूरा इंचार्ज है वहाँ पे। तो जो SP है वो ना काफ़ी कम पढ़ा लिखा है, ABCD, बस ABCD पढ़ी है उसने, काफ़ी कम पढ़ा लिखा है। और उसे ना BP की बीमारी है, उसका BP काफ़ी लो रहता है। अब क्योंकि उसका BP काफ़ी लो है, उसके दिल में ना काफ़ी कमज़ोरी सी आ गई है। अब BP अगर लो होता है पेशेंट का, तो हम उसे सॉल्ट देते हैं, SI, ठीक है, हम उसे सॉल्ट देते हैं। तो भाई ये बात थी हमारे ब्यूरो की। अब क्योंकि आपको पता है डीमोनेटाइजेशन तो चल ही रही है, तो उसका भी एक सीन हम यहाँ पे रिलेट करेंगे। अभी हमारा एक चूतिया इंजीनियर सस्ती दारू को ना काफ़ी इंपॉर्टेंस देता है। चूतिया इंजीनियर सस्ती दारू इम्पोर्टेंट है उसके लिए। अब उसने दारू पी ली अपने अड्डे पे, अड्डे पे दारू पीने के बाद उसे अपने घर जाना होता है। तो या तो दारू यहाँ पे पी ले, फिर एड्रेस अपने एड्रेस पे बस पकड़ के चला जाएगा, या फिर दारू उसने यहाँ पे नहीं पीनी, उसकी ना दारू बच गई, तो दारू लेके बस पकड़ के वो घर जाता है। ये देखिए अपने यहाँ पे बस स्टॉप पे आ गया, बस कंट्रोल लॉजिक। यहाँ से अब उसने बस स्टॉप से अपनी एक्सटर्नल बस ली और निकल गया। बट तभी वो रियलाइज़ करता है कि उसके ना पैसे ख़त्म हो गए हैं। तो वो क्या करेगा, उसे ATM से पैसे निकलवाने होते हैं। अब डीमोनेटाइजेशन चल रही है, तो इंस्ट्रक्शन क्यू क्यू ना काफ़ी लंबी लगी हुई होती है वहाँ पे, तो भाई वो क्यू में लगा रहता है। फिर एग्जीक्यूशन कंट्रोल यूनिट, यहाँ पे जो हमारी ब्रांच है, ये हमारी पूरी बैंक है, ठीक है। अब इस बैंक में जो हमारा गार्ड है वो हमें एंट्री दे देता है। अब हम जाते हैं, चलिए अंदर गए हम। अब डीमोनेटाइजेशन है, दारू वैसे पी रखी है, पैसे हैं नहीं, दिमाग ख़राब है, तो टेम्परेचर राइज कर जाता है। टेम्परेचर रजिस्टर, टेम्परेचर हमारा राइज कर गया। अब बट हमें ना याद आता है कि जो हमारा SP था उसे BP की बीमारी है और उसका जो दिल है काफ़ी कमज़ोर है। तो हम ना उसे सोल्ट वाले आइटम देंगे ताकि उसके BP में उसकी हेल्प करे। तो हम ना उसे आलू चाट दे देते हैं, आलू चाट, अच्छे नमक वगैरह मसाले डाल के हमने उसे आलू चाट दे दी। अब भाई उसने हमारे पैसे निकलवा दिए और हमारी हेल्प कर दी। तो ये हम अपना जीत का झंडा ले के लहराते हुए यहाँ से चले गए। थैंक यू गाइस, और ऐसी इंटरेस्टिंग रट्टेबाज वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।